सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल हमारी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें जो है कई बच्चों ने अच्छा अंक प्राप्त किया, लेकिन आप लोगों ने हमें निराश कर दिया। दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं वो 25 नंबर तक जाएंगे, लेकिन बताइए, आप लोग जो है अपना जो टारगेट था, जो कट ऑफ थी, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जबकि सारा क्वेश्चन वही था जो हमने बताया था, एक भी क्वेश्चन मैंने उसमें एक्स्ट्रा नहीं दिया था। दोस्तों, उसके बाद भी आप लोग जो है 20 नंबर तक नहीं पहुँच पाए। उसका हमें दुख है कि शायद हमारे बताने में कमी रह गई, या फिर आप लोग पढ़ने में कमी कर दिए। तो दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि आप सारा वीडियो फिर से देखें, उसको अच्छे से पढ़ें, और ताकि जो है, देखिए, मैं कोई ये तो नहीं है ना कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उससे हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, या आपको आने लगेगा तो हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से, हमारी वजह से अगर 4-5 बच्चे भी पढ़कर आगे निकल जाते हैं, तो मैं ये मानूंगा कि मेरा जो ये कदम है वो सफल हो गया। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से 2-4 बच्चे भी आगे निकल जाते हैं, तो मुझे दिल से खुशी होगी कि हाँ, मैंने इस बच्चे को पढ़ाया था और ये बच्चा आगे निकल गया। दोस्तों, मैं आज से नहीं, मैं अगर बता दूं तो मैं जब 2013 में, मुझे याद है कि मैं 2013 में 2-3 बच्चे आते थे पढ़ने, तब जबकि मैं छोटा था, तब भी तब मैं जो है 11th में था, और तब मैं पढ़ाता था। चूँकि पिताजी हमारे मैथ के टीचर हैं ही, तो स्टार्टिंग से ही मैथ में मेरा इंटरेस्ट भी रहा है, और जब मैं 7th क्लास में था तभी मैं 10th क्लास की मैथ लगाता था। दोस्तों, तो इसी तरह जो है मेरी मैथ जो है हमेशा आगे चलती थी और मैं पीछे चलता रहता था। तो जब मैं 11th में था, तब मैं बच्चों दो तीन लोगों को कोचिंग पढ़ाता था, और घर पे ही आते थे वो लोग, और उसमें से 3 बच्चे हमारे जो है सिलेक्ट हुए, जो कि एसआई में सिलेक्ट हुए, मैथ वो मुझसे ही पढ़ते थे। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ, अब जब मैं जब किसी को बताता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज जो है यहाँ पे पहुँच गया। तो बस केवल वही एक मेरे अंदर था कि जो है मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे हमारे दोस्त लोग और हमारे जो अपने हैं, हमारे आप सभी हमारे अपने हैं, और इस परिवार पे जितने भी सदस्य हैं वो सभी जो है हमारे अपने हैं, हमारा एक परिवार है, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे परिवार का प्रत्येक बच्चा आगे निकले। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है, इसीलिए मैंने, अब कोई वो नहीं था, मैं ये जो पैसा देता हूँ आप लोगों को, अपने ही जेब से देता हूँ, अभी मैं कमा भी नहीं रहा हूँ, तो इसलिए। लेकिन दोस्तों, अगर जो है आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा, बताइए। अगर आपको कहीं कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर इस तरह समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आप इस तरह करिए। तो दोस्तों, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे कराई जाती हैं। देखिए, मैंने रीजनिंग भी पूरा करवाया, और मैं नहीं जानता, या फिर मैं नहीं मानता कि कोई बच्चा रीजनिंग में कहीं पर भी कोई समस्या फेस करे। जितना चैप्टर मैंने बता दिया है, उस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। और उसी तरह मैंने जियोग्राफी की, मैं पहले सोचा कि लाइए मैं आपको चैप्टर वाइज पूरा विस्तृत बताऊं, जैसे मैंने पॉलिटी की का बताना स्टार्ट किया था, जैसे हिस्ट्री मैंने बताया। दोस्तों देखिए, जब आप कहानी की तरह सुनेंगे तो आपको याद होगा। तो ये तो मेरा एक पहल थी कि चलिए, बच्चे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने समझा भी कि आप कितने नंबर पाए, आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए जो है मैं पहले ये लेकर आया, अगर आपको लगता है कि हाँ, इसमें समस्या थी आपको, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं जियोग्राफी स्पेशल लेकर के आऊँगा, उसमें पूरा एक एक चैप्टर विस्तार से समझाया जाएगा, उसमें MCQ नहीं रहेंगे, उसमें MCQ नहीं रहेगा, पूरा विस्तार से थ्योरी समझाई जाएगी, ठीक। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको दोस्तों। और एक काम और कीजिएगा, आप लोग कम्युनिटी टैब पर जाइएगा, जब मेरा चैनल ओपन करेंगे, जैसे वीडियो चल रहा है नीचे देखिए मेरा नाम लिखा होगा द स्पीड स्टडी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है ऊपर, वीडियोज कम्युनिटी चैनल अबाउट, तो आप कम्युनिटी पे जाइए। कम्युनिटी पे जा करके वहाँ पर देखिए दोस्तों, कई सारी पोस्ट की है हमने। तो दोस्तों, जो ये बच्चे
पहला दूसरा तीसरा नंबर अंक पाए थे, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, उनकी भी पोस्ट मैंने वहां की है। तो दोस्तों उसको भी आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए, उससे हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता है। अगर मैं आप सबके लिए इतना कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का प्रत्येक बच्चा आगे बढ़े, और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा ये कदम जो है सही है, तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। तो आज दोस्तों चलिए हम बताते हैं आपको जो कल का हमारा रिजल्ट था। तो दोस्तों देखिए उसमें तो जैसा कि आप इस फ्रंट पे देख रहे होंगे, पहला और दूसरा मैंने फ्रंट पे ही लगा दिया है, जो थंबनेल में पहला और दूसरा है वो तो है ही। तीसरे नंबर पर जो हमारे हैं वो रवि वर्मा जी हैं, जो कि आप तस्वीर देख रहे होंगे बगल में लगी हुई है, तो रवि वर्मा जी का थर्ड नंबर पे है। दोस्तों देखिए निराश तो सभी लोगों ने किया, अच्छा अंक नहीं प्राप्त किया, जितना मैं उम्मीद किया था आप सबसे उतना तो आप लोग नहीं पहुंचे, लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी आपने अच्छा प्रयास किया और मैं चाहूँगा कि आगे आप और अच्छा प्रयास करें। दोस्तों जितना भी वीडियो है मेरा जियोग्राफी इसका क्विज का, उसको आप सब देखिए, और मैं मानता हूं कि उसमें से आपको कोई भी एग्जाम आप देंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं सारा प्रश्न जितना भी आप देखे होंगे सब प्रीवियस ईयर मैंने लगाया है। तो दोस्तों जो अभिषेक हैं उन्होंने 19 नंबर प्राप्त किया है, महेंद्र हैं उन्होंने 18 नंबर प्राप्त किया है दोस्तों, और वहीं रवि वर्मा जी हैं वो 14 नंबर प्राप्त किए हैं, शालिनी जायसवाल जी हैं वो 13 नंबर प्राप्त किए हैं, और आनंद सिंह जी हैं वो 12 नंबर प्राप्त किए हैं, और शुभम जायसवाल जो हैं वो 11 नंबर प्राप्त किए हैं। दोस्तों देखिए हो सकता है कि इसमें कुछ कमी रही हो, वैसे काउंट का नंबर में कमी नहीं है दोस्तों, कमी का मतलब ये है कि हमारे हो सकता है समझाने में कमी रही हो दोस्तों। और जैसे कुछ बच्चों का मैंने कमेंट देखा भी था, जैसे शालिनी जायसवाल जो कि हमारी पिछली बार की टॉप पर रही थी, उनका कमेंट नहीं शो हो रहा था दोस्तों, और उन्होंने कहा कि जो है सर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और सही किए थे, तो उसके लिए शालिनी जी को मैं सॉरी कहूँगा, क्योंकि देखिए जब हमको कमेंट दिखा नहीं तो मैं काउंट तो करूँगा नहीं गलत, तो इसलिए मैं उनको कहूँगा कि चलिए कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बीच बीच में हो जाती हैं। अब टेक्निकल प्रॉब्लम, अब उसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकती हैं, लेकिन मैं ठीक है, मैं मानूंगा कि आप, क्योंकि जो है शालिनी जायसवाल जी हमारी रेगुलर स्टूडेंट रही हैं और डेली वो हमारे क्विज में आती थी, सही जवाब देती थी, तो हो सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनका कमेंट हमें ना शो हुआ हो। और मैंने उनको प्रूफ भी भेजा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था सारे कमेंट का, उसको मैंने भेजा भी, तो संतुष्ट हैं वो कि हाँ ऐसा है कि कमेंट उनका नहीं शो हुआ, लेकिन चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा, और नेक्स्ट टाइम आप भी ट्राई कीजिएगा, आप सब लोग ट्राई कीजिएगा। अगला जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी दोस्तों वो हमारी स्टार्ट होगी हिस्ट्री की, और जियोग्राफी आप अगर बताएंगे कि पूरा विस्तार से पढ़ाया जाए तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा दोस्तों। आप इसी में ऑफलाइन कमेंट करिएगा दोस्तों, ऑफलाइन कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर जियोग्राफी पूरा विस्तार से पढ़ाई जाए। और दोस्तों हिस्ट्री की जो सत्यम सर की क्लास है, सत्यम सर की क्लास वो चलेगी कल या परसों से, तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे मैं बता दूं, मैंने कहा था दोस्तों कि जो भी बच्चा 20 नंबर के ऊपर या 20 नंबर पाएगा वो हमारा फर्स्ट विनर रहेगा और उसको 150 रुपये दिए जाएंगे, और जो हमारा सेकेंड विनर रहेगा उसको 50 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अब चूंकि फर्स्ट पर कोई आया नहीं, इसलिए जो हमारा ये पुरस्कार है वो सेकंड वाले बच्चों को ही दिया जाएगा, अर्थात जो हैं तो सेकंड ही, लेकिन अब माना फर्स्ट जाएगा। जो अभिषेक हैं, अभिषेक पांडे जी, वो फर्स्ट नंबर पे हैं, उनको 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं महेंद्र यादव जी हैं वो सेकेंड नंबर पर आए हैं, उनको जो है 50 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग इसी प्रकार साथ देते रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा करके दोस्तों, और हमारे पैसे की मिठाई खाते रहिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में शाम को 7 बजे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं।